दोस्तों हर चौराहे पे भीड़ तो है लेकिन नौकरी नहीं। नौकरी या तो सिफारिश पे मिलती है या फिर बड़ी डिग्री पे, मगर बाकी के पास इनमें से कुछ भी नहीं। पर फिर भी उसके कदम कभी रुकते नहीं। अब न जाने नौकरी की तलाश बाकी को कहां ले जाएगी, आइए देखते हैं। बस ये बता दे काहे दिखाए टेंटरम, तू जो बोले तो तेरे पीछे मजनू हो जाऊं। कहना मैं आती है हमको थोड़ी सी शर्म, बट तेरी गोदी का पिल्लो बना के सो जाऊं। हाँ, कहते आए हम तो फरवरी से, निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से, कनिक आओ कभी हवेली पे। मुझे बनानी है, अपना धंधा बंदा नहीं करना है। आप बोल दो पैकअप, बोलो बोलो। अरे कपड़िया सर मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो सर। सर सर हीरे की खान है हमारी नट्टू बेबी। अरे सर पब्लिक आ है भरती है उसके नाम की। सर आपके पिक्चर में आपने पैसा लगाया है, आपके पैसे को ऐसे डूबने थोड़ी ना देगी नत्तू। मैं कह रहा हूँ पटाखा है, एकदम धमाकेदार पटाखा। आओ साथ में पटाखा देखते हैं। बिस 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 आ बिस भाई आ जोए ये ले भाई देख ले खुदी जो। आउच क्या कर रहे हो? एक किस। बिल्कुल नहीं। कोई आ जाएगा? एक किस नहीं। सुबह सुबह बदमाश चलो आओ। बस एक किस। नहीं 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 आप नहीं सुनने वाला जब तक एक किस नहीं दोगे। बहुत नॉटी हो तुम। ठीक है सिर्फ एक किस। आकाश भाई ऐसे कोई बोलता है क्या? हीरो हीरोइन को लेकर लव स्टोरी बना रहा हूं मैं, उसमें लगाए हैं पैसे। तुम्हारी नट्टू मर्दों वाली आवाज है इसकी। लड़कों को लेकर फिल्म नहीं बना रहा हूं मैं। आ तो एक रील छे। अरे खापड़िया सर आप बेकार में टेंशन ले रहे। मैं कह रहा हूं ना
सर हमारी नट्टू के लिए लोग आहें भरते हैं। ओ भाई, क्या बात है, तो आहें भरने वाला एक वीडियो बनवाओ ना 5 मिनट का, छोटे स्क्रीन पे देखेंगे, आहें भरेंगे, भूल जाएंगे। उसमें तो उसको बोलना नहीं है, तू वाह आउच करेगी, बस हो गया काम। आकाश भाई अब पिक्चर छे 2.5 घंटे की बड़े पर्दे पर पिक्चर, उसमें ये मर्दों वाली आवाज नहीं चलेगी, कौन सुनना चाहेगा उसे, लोगों के अरमान जागेंगे, जागेला भी सो जाएगा। आ तो एक रील छे, 25 रील बाकी छे। What's up, Kapadia sir? क्या हुआ आकाश भाई, चौंक क्यों गए? तुम्हें तो पहले से पता था ना कि आवाज में लोचा है। वैसे मालूम तो आपको भी था ही ना कापड़िया सर, मतलब आपने भी तो पहली बार नहीं सुनी ना इसकी आवाज। हेलो हेलो हेलो, मेरे नाम पे बिल मत फाड़ो, तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ चीटिंग की है, तुम ही लेकर आए थे ना इसका उस टाइप का क्लिप है? जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि बहन का गला बैठा है, 2-4 दिन काढ़ा पिएगी ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि आवाज ठीक होगी? कौन सुनेगा ये आवाज? पर वो नताशा बहन, हाथ जोड़ रहा हूँ, छोड़ दो ना धंधा, कुछ और धंधा कर लो ना। अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो, हमारा समय भी बर्बाद कर रहे हो, इतना पैसा लगाया है पिक्चर में। ओ बहन, मेरा भी परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड पे आ जाऊंगा मैं, कौन देखेगा तुम्हें, कौन? कौन देखेगा मुझे? Really कपाड़िया साहब? नताशा को कौन देखेगा? आकाश ये कौन है? हाँ तो एक ग्रेट सुपरस्टार जे, वर्ल्ड क्लास रैपर, कहाँ वो और कहाँ तुम? नताशा रुको, नताशा वहां तो ये वीडियो वायरल करूंगा। अरे ये तो बिगड़ेड एक्ट्रेस नताशा है। आकाश भाई, अरे इसका करियर तो गया, इंश्योरेंस है? हाँ? लो हो गया वायरल, अब देखो कितने लाइक्स मिलते हैं। और सोशल मीडिया पे बवाल, 5 मिनट में 1 लाख लाइक्स आते हैं। 9 बजे के प्राइम टाइम न्यूज देख लेना कपाड़िया साहब घर जाके, फिर पता चलेगा आपको नताशा को कौन देखता है। ओ आकाश भाई, नट्टू बहन को समझाओ ना कि पिक्चर में सिर्फ दिखाई नहीं सुनाई भी देता है। कुछ भी सर, अरे क्या समझा रहे हो सर, आप मेरी बात सुनिए प्लीज, समझने की कोशिश कीजिए। डबिंग नाम की भी कोई चीज होती है,
आपको क्या लगा था हम लोग ऐसे ही नट्टू को स्क्रीन पर उतार देंगे? नहीं ना, हम लोग एक बहुत अच्छी आवाज ढूंढ रहे हैं, डबिंग आर्टिस्ट जो नॉटी नताशा के टैलेंट के साथ जस्टिस कर सके। बस एक बार वो आर्टिस्ट मिल जाए फिर चेहरा इसका और आवाज उसकी। सर मैं कह रहा हूँ ना, बॉक्स ऑफिस पे आग लगा देंगे, छत फाड़ देंगे। फाड़ देना, फाड़ देना आकाश भाई, फाड़ देना। और जब डबिंग आर्टिस्ट मिल जाए ना तब बताना, और तब उसकी आवाज के साथ इसका सीन दिखाना। नताशा बहन तब पिक्चर आगे बढ़ेगी। तब तक पैकअप, चलता हूं भाई, मत बोलना। अरे कापड़िया सर आप मेरी बात तो सुनिए सर। अरे, अरे कुछ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना मुझ पर विश्वास कीजिए। ना भाई सर, ना बैठिए। ना सर प्लीज बात सुनिए। How dare he? फिल्म तभी आगे बढ़ेगी? What does he mean? ये पिक्चर मेरा ड्रीम है आकाश, पूरी लाइफ गिराई है मैंने, तब जाके यहाँ तक पहुँची हूँ। It's my life right now, आकाश। It's my life. नताशा, इस वक्त तुम्हारे लिए आवाज ढूंढना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, वरना ये कपाड़िया फिल्म शुरू नहीं करेगा। तो फिर आवाज ढूंढो। आवाज, ये आवाज कहाँ मिलेगी? आंखें तरस गई है आपके दीदार को, अब मेरे सोना, मेरे जानू, आपका सितारा वाला प्लॉट और मैं कब से आपकी राह देख रहे हैं। तुम कब आओगे? आज भी वैसे ही दिखते हो ना, विनोद खन्ना वाला रोल, धर्मेंद्र वाली अदा, आंखों में सुरमा, पान से पके लाल होठ। आपको अपने घर की खिड़की से निहारा करती थी मैं, और सबसे ज्यादा कायल आपकी उन काली घनी जुल्फों की थी, और आज भी हूँ। बिल्कुल, अरे वो मर्द ही क्या जो बदल जाए। हाय, आप तो मार ही डालोगे, ऐसी बेताबी में जान जाएगी मेरी और पावती कटेगी आपके नाम की। बेताब तो आपने करके रखा है मेरे को, दिल ऐसा होलू होलू हम हम करके, गाना गा रहे हैं करके। हेलो, कहाँ गई? हेलो, कोई आ गया है? कौन? कौन आ गया है? दुश्मनी समझ लीजिए। सतारा में ये पड़ोसन आपका इंतजार करेगी। मुझे तो लगा आप ऑफिस गए होंगे, आप तो घर पे ही हैं। तू क्या छिपकली बनी जमीन पे रेंग रही है? मैं 2000 का नोट, 2000 का नोट कहीं गिर गया था, बस वही ढूंढ रही हूँ। 2000? सुन, मुझे मिलेगा ना तो मैं तेरे को दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक। तो तू जा, तू जा रही, जा। चल निकल। 2400 कैसे है ये? हमारे घर पे आके जमे हुए लालची है एक नंबर के, पराई औरतों से इश्क लड़ाते घूमते हैं, गिरे हुए लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। क्या बाबा, कैसा भाई मिला है आपको? तू ना पागल है पाकी, तेरे झूठ के चक्कर में ना तू एक दिन फंस जाएगी। अच्छा, बस मौका मिला नहीं कि शुरू कर दो पाकी को ज्ञान बांटना। और आज की डेट में इसे झूठ बोलना नहीं कहते रहती, स्मार्टनेस कहते हैं, स्मार्टनेस। बतौले गिरी कर मत और चल यहाँ से। पाकी, वो तेरे काका है और तू? काका है तो क्या करूँ, बता क्या करूँ मैं? मतलब सारी मेहनत की मेरे बाबा ने,
घर बनाया मेरे बाबा ने, और वो लालची काका काकू वो मेरे बाबा के जाने के बाद 5 साल से मेरे घर पे मेहमान बन के बैठे हैं और जाने का नाम ही नहीं ले रहे। 5 साल से रहती, 5 साल से मैं और मेरी आई अपने ही घर में हम नौकरों की जिंदगी जी रहे हैं। तू तो जानती है ना यार सब। मैंने देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन तुझे क्या लगता है कि तेरी फोन कॉल से वो मान जाएंगे और चले जाएंगे सतारा अपने घर पे? उन्हीं के चंगुल से निकलने के लिए तो मैं 1 महीने से स्कीम बेच रही हूँ सतारा की पड़ोसन बनके। वापस बुला रही हूँ उन्हें सतारा। पहले तो फोन भी नहीं उठाते थे, लेकिन अब लगता है कि बात बन जाएगी। और बस एक बार ये मेरे लालजी काका काकू इस घर से चले गए ना, तो फिर मजा आ जाएगा। मतलब मैं जॉब करूंगी और मेरी आई आराम। यहाँ मुझे एक आवाज नहीं मिल रही है और तुम्हें आरजे हंट की पड़ी है। आरजे हंट से क्या मिलेगा तुम्हें? आवाज नट्टू बेबी, आवाज। देखना, मैं तुम्हारे लिए इतनी आवाजें इकट्ठा कर दूंगा कि कपाड़िया भी पगला जाएगा। जरा सोचो यार, अगर ये तुम्हारी आवाज वाली बात लोगों तक पहुंच जाती तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाता। मतलब नताशा, 2 मिनट नहीं लगेगी ये वीडियो वायरल होने में कि नताशा दी स्टार। नताशा की आवाज इतनी मर्दानी है कि प्रोड्यूसर ने फिल्म शुरू की और बस शुरू होते ही बंद कर दी। कहा है कि डबिंग आर्टिस्ट ढूंढ के लाओ और हम पक्का ढूंढेंगे। जॉब ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ कि मुझे आगे जाके आसानी से जॉब मिल जाए, और तूने ग्रेजुएट्स का हाल देखा है, और तू भी तो इतने सारे इंटरव्यूज दे रही है ना, तुझे तो पता ही है ना। देख पाकि, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, वरना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पैसे लगते हैं रति। बाबा होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। बाबा नहीं है मेरे, मुझे नौकरी ही ढूंढनी पड़ेगी, चाहे जैसे ढूंढो। रोज घर से निकलती हूँ इंटरव्यू के लिए। ये देख, डॉक्यूमेंट्स के सेट की 10 कॉपीज हमेशा ऐसे अपने बैग में रखती हूँ। मेरे बाबा स्वर्ण फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, वहां भी एप्लीकेशन डाली है मैंने। कोई तो होगा जो मुझे नौकरी देगा। तो हम डायरेक्टली डबिंग आर्टिस्ट क्यों नहीं हायर कर सकते? नट्टू, कोई भी अच्छे डबिंग आर्टिस्ट दीपिका, आलिया, करीना की फिल्म के लिए डब करने को रेडी हो जाएंगे, पर हमारे लिए, हमारी फिल्मों के लिए कोई रेडी नहीं है। और वैसे भी मैं तो चाहता हूँ कि हम एक ऐसी फ्रेश आवाज ढूंढे जो नॉटी नताशा की टैलेंट को और निखार दे। और देखना, मैं वो आवाज ढूंढ ही लूंगा। ओके सर। मिस पाखी, जाइए। अब थैंक यू। देखिए मैडम, इस जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है और आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, इसलिए ये जॉब हम आपको ऑफर नहीं कर सकते। सर, आपको पता है, धीरू भाई जी, मैं तो फिर भी ग्रेजुएट हूँ सर, उनका तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तब भी देखिए आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए सर। जानते हैं क्यों? क्यों? टैलेंट सर, टैलेंट की वजह से। तो आपके पास क्या खास टैलेंट है? टैलेंट मुझ में? क्या बात पूछ ली सर आपने। अब सोचिए, क्लाइंट आपके पैसे नहीं दे रहा और पाखी का एक फोन। अभी दिखाती हूँ। हेलो जी, आपका इंस्टॉलमेंट नहीं आया अब तक। जी, ये आप कब तक देंगे? पैसे कब तक देंगे आप? ओके। पाखी ने फोन रखा और इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में सर। बस भाई बस। मानते हैं ना सर, टैलेंट था, टैलेंट। माना, लेकिन मेरे मानने से कुछ नहीं होता है। इस जॉब के लिए बाहर तुमसे ज्यादा एजुकेटेड लोग खड़े हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई एमफिल है, उनके रहते हुए मैं तुम्हें कैसे जॉब दे सकता हूँ? तुम्हारे पास टैलेंट है और इसे वेस्ट मत करो। क्या सर, मैंने आपको अपना इतना टैलेंट दिखाया, फिर भी आप मुझे बिना जॉब दिए ही भेज रहे हैं।
ये देखो, ये मेरे किसी काम का नहीं था, इसीलिए मैंने फेंक दिया था। आई थिंक यू शुड गिव इट ए ट्राई, शायद तुम्हारी यही जगह हो। लो। जिसे देखो उसे पोस्ट ग्रेजुएट ही चाहिए, और मैं तो बस ग्रेजुएट हूँ। अब तो ये आरजी हंट ही मेरा लास्ट चांस है। हाँ मम्मी, आ रही हूँ ना, मैं यहाँ फंस गई हूँ। आवाज की मलिका हूँ, भीड़ देख रही हूँ। इससे अच्छा तो हम सिद्धि विनायक मंदिर में जाके ना भगवान के दर्शन कर लेते और मन्नत भी मांग ले, शायद वो भी पूरी हो जाए। मगर इस भीड़ में हमारा नंबर इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं आएगा। रति ठीक ही कह रही है, इतनी भीड़ में मेरा नंबर कहाँ आएगा। और यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कहीं और ट्राई करती हूँ, ये तो ना हो पाएगा। अब चल चलते हैं। टोकन नंबर 122। टोकन नंबर 122 कौन है, जल्दी आइए। पाकी, 122 नहीं है, 221 है। देख, 122 हो या 221, नंबर्स तो सेम ही है ना। मतलब पाखी, टोकन नंबर जी 122। गो दिस वे। थैंक यू। नाम लिखवा दिया आपने बाहर जी? एड्रेस वगैरह? ओके, अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगी तो कॉल कर सकते हैं आपको, ठीक है? आपके सामने वो हेडफोन रखा है, उसे पहन लीजिए और कागज पे लिखी हुई लाइनों को पढ़ के बोल दीजिए। चलिए, शाबाश। थोड़ा सा नॉटी करना है, ओके? नॉटी समझती है ना आप? जिस्म है सुलगता जिस्म जैसे रेग। हाँ, ये जिस्म है सुलगता जिस्म जैसे रेगिस्तान में सुलगती रेत। तुम पतली बन के आओ ना जाने मन, जा जाओ भिगो जाओ। अब सर, ये लाइन आपको थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही? आई मीन रेडियो पे ऐसी बातें कौन बोलता है सर? सर, एक अच्छी आवाज नहीं आई है सुबह से अभी तक, और ऊपर से ये देखिए मैडम, ये तो स्क्रिप्ट पर ही सवाल उठा रही है। रॉकी, प्लीज फटाफट करवाना यार, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मैडम देखिए, हमारा रेडियो हम कुछ भी करवा सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है अपनी आवाज पे, आप बोलिए, वरना दूसरे को आने दीजिए, बहुत लोग है लाइन में। अब नहीं सर, मतलब ये लाइंस तो बहुत अजीब सी हैं। आई मीन फैमिली ऑडियंस तो सुनेगी नहीं ना आपके इस रेडियो को, तो तुम्हें फायदा कैसे होगा सर? सही कह रही है मैडम आप, एक कहावत है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आपसे बोला नहीं जाएगा, ये क्लियर है। अरे नहीं, अपनी कॉन्फिडेंस आवाज पर तो क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, चलिए दूसरे को आने दीजिए। मैडम अगर आप नहीं बोल पा रही है तो एक्सेप्ट कीजिए ना, ये बहस करने का क्या मतलब है? चलिए जाइए यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। नहीं सर, आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस। मतलब आप ऐसे नहीं मानेंगे ना? फाइन, सिक्योरिटी। बाबा चैलेंज कर रहे हैं मुझे। सिक्योरिटी, ये जिस्म है सुलगता जिस्म, जैसे रेगिस्तान में सुलगती रेत। फटाफट रिकॉर्ड कर। तुम बदली बन के आओ ना जाने मन,
छा जाओ, बरस जाओ, भीगो जाओ मेरे बदन की तपती जमीन पर। तुम्हारी मोहब्बत की बूंद टपकेगी, तभी तो इश्क की सौंधी खुशबू उठेगी ना। देखते क्या हो बाबू साहब, शर्मा तुम मुंह फेर लेना, पर मेरी प्यास बुझा दो और इस सुलगते जिस्म को राख बना दो।